दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। विसर्जन मार्ग पर जहां सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही है, वहीं बड़ी संख्या में पुलिस भी मुस्तैद है। विसर्जन जुलूस में शामिल लोगों की हर गतिविधियों पर नजर रखने और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पीएसी व आरएफ के जवानों को भी तैनात किया गया है। एसपी नॉर्थ अरविंद कुमार पांडे को सुरक्षा व्यवस्था का नोडल अधिकारी बनाया गया है। खुद एसएसपी भी विसर्जन के दौरान भ्रमणशील रहकर पूरी व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं। बुधवार से शुरू हुए मार्ग प्रतिमाओं का विसर्जन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। को भी सुबह 8 बजे से ही पुलिस अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद है। विसर्जन जुलूस में शामिल लोगों तथा आसपास की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके लिए 15 स्थान सहित चिन्हित किए गए हैं। इसके अलावा 3 ड्रोन कैमरों की मदद से भी विसर्जन जुलूस पर नजर रखी जा रही है। आपको बता दें, सुरक्षा व्यवस्था में 350 से अधिक पुलिसकर्मियों के साथ ही 100 प्रशिक्षु सिपाहियों को भी तैनात किया गया है। स्थिति को समान बनाए रखने के लिए पुलिस वाले विसर्जन मार्ग पर जगह जगह मुस्तैद हैं। सुरक्षा व्यवस्था में 1 कंपनी पीएसी, 1 कंपनी आरएफ और एनडीआरएफ की टीम भी तैनात है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एनडीआरएफ के इंस्पेक्टर डीपी चंद्रा ने कहा, अपने लाइन से चलिए। भैया
विसर्जन कर। इंस्पेक्टर टीम भी चल रहा है। NDRF की एक टीम जो सुप्रशिक्षित जो ट्रेन टीम है और उनके जो सुप्रशिक्षित गोताखोर हैं उनके साथ यहाँ पे डिप्लॉयड की गई है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि गोरखपुर की बहुत सारी जो माँ दुर्गा की मूर्तियों का विसर्जन किया जा रहा है। प्रशासन के अनुरोध पर यहाँ पे सुरक्षा दृष्टि गुट को रखते हुए यहाँ पे NDRF की टीम तैनात है और साथ ही साथ उनके साथ एक मेडिकल टीम है जो जिसको हम पैरामेडिक्स बोलते हैं, उनकी टीम भी तैनात है। अगर किसी भी प्रकार की कोई व्यक्ति अगर चोटिल होता है या घायल होता है तो उसको साइट पे ही PST दिया जा सके। अब एक टीम जो है हमारे राजघाट में है और बाघागाड़ा और कुछ अन्य जगह में है जहाँ पर हमारी टीम तैनात की गई है। जैसे कि आप जानते हैं कि NDRF की टीम जो सुप्रसिद्ध टीम होती है जो स्विमिंग में एक्सपर्ट होते हैं, साथ ही साथ हमारे पास जो डिप डाइवर होते हैं, डिप डाइविंग इक्विपमेंट होते हैं ताकि अगर कोई व्यक्ति अगर डूब जाता है तो उसको पानी के अंदर हम सर्च करके बचाया जा सकते हैं।